तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम करेंगे हनीकॉम क्लास 7 का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। द किंग टर्नड अराउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ आते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके हाथ उसके पेट के ऊपर रखे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वह राजा के पास पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मेट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और पाया कि एक उसकी उसके पेट पर एक बहुत बड़ी चोट थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून अभी भी नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने उसे कपड़ों से बांधा और तब तक बांधे रहे जब तक खून रुका नहीं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। व्यक्ति को अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा पानी लेके आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा सन्यासी की मदद से उस चोटिल व्यक्ति को उठाता है झोपड़ी के अंदर और बेड पर लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। व्यक्ति आंखें बंद कर चुपचाप लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा अपने काम करने से थका हुआ ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जमीन पर लेट गया और पूरी रात सो गया। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड लाइंग ऑन द बेड वाज। जब वह उठा, थोड़ी ही देर हुई थी जब वो कुछ भी नहीं याद कर पा रहा था कि वो कौन है जो बेड पर लेटा हुआ है अजीब दाढ़ी के साथ। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। मुझे क्षमा कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कमजोर आवाज में। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है कि मैं तुम्हें क्षमा करूँ। राजा ने उसे कहा You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारी वो शत्रु हूँ जो तुम बदले की आग में जल रहा है तुमसे। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया और मेरी सारी जमीन हड़प ली। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि तुम अकेले गए हो उस सन्यासी को देखने। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने अपना
मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाते हुए मारूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर दिन बीतते गए और तुम नहीं वापिस आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। इसीलिए मैंने अपनी छुपी हुई जगह छोड़ी और मैं तुम्हारे सैनिक के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे चोटिल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं उससे बचकर भागा पर मैं मर जाता अगर तुम कपड़े मेरे चोट पर नहीं बांधते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं अब जिंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा एक नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और मेरे बेटों को भी यही करने को कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। राजा बहुत खुश था कि उसने शांति शांति बनाई इतनी आसानी से अपने और दुश्मन के बीच। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और उसे जीत लिया एक दोस्त जैसे। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज होन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने उसे माफ क्षमा ही नहीं किया पर अपने उसने कहा कि पर ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम। उसने कहा उसने उसे क्षमा ही नहीं किया पर कहा कि मैं अपने ही नौकर तुम्हारे पास भेजूंगा और एक चिकित्सक तुम्हारे ध्यान रखने के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और प्रोमिस करा कि मैं तुम्हारी जमीन वापिस लौटा दूंगा। लीविंग द बाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। चोटिल आदमी को छोड़ते हुए राजा झोपड़ी से बाहर निकला और आसपास देखने लगा सन्यासी के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड ओनली मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वापिस लौटने से पहले उसने सोचा कि मैं एक और बार अपने प्रश्नों के उत्तर पूछता हूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। सन्यासी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था बीज बोने के लिए गड्ढों में जो कल खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। आखिरी समय मैं भीख मांगता हूँ मेरे प्रश्नों के उत्तरों की। समझदार व्यक्ति, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन। सन्यासी ने कहा घुटनों पर बैठे बैठे। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और राजा को देखते हुए क्योंकि वह सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। मेरे को कैसे उत्तर मिले हैं। वट डू यू मीन। तुम क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी। क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट। सन्यासी ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी
अगर तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते कल, तो तुम मेरे लिए घटी नहीं खोदते। यू वुड हैव गोन अवे, तुम वापिस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, जब तब वापिस चले जाते तब तुम्हें वह व्यक्ति अटैक कर देता। एंड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम इच्छा मांगते कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे महत्वपूर्ण समय तब था जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तब सबसे जरूरी व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, वेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास भागते हुए आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर यू, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उसके लिए उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके उसकी चोट पर कपड़ा नहीं बांधा होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वो मर जाता तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना। एज ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह बहुत सबसे जरूरी इंसान था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था। रिमेम्बर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, हमेशा याद रखना कि एक ही समय है जो सबसे जरूरी है, वो है अभी। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये सबसे जरूरी समय इसीलिए है क्योंकि क्योंकि हम में इस समय पर ताकत होती है कुछ भी काम कर्म करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे जरूरी व्यक्ति वह होता है जो तुम्हारे साथ है किसी भी समय पर। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मेट एनीवन एल्स, और हम किसी और से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे जरूरी काम है उस व्यक्ति के लिए भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, हम इसीलिए क्योंकि हम इस धरती पर इसी काम के लिए भेजे गए थे। ये कहानी लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।